most IMP topic from for examination point of view, contract of agency last topic unit 3 और सबसे बड़ा यूनिट है एजेंसी क्या है। तो उसके पहले ये समझना पड़ेगा एजेंट, एजेंसी, प्रिंसिपल तीनों का मतलब क्या होता है। तो देखते अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एजेंट इज अ पर्सन। एजेंट किसको बोला जाता है, एजेंट वो व्यक्ति है एम्प्लॉयड टू डू एक्ट फॉर अनदर जो किसी के बिहाफ पे काम करेगा और टू रिप्रेजेंट अदर इन डीलिंग विद थर्ड पार्टी। और अगर थर्ड पार्टी से डीलिंग भी करना है तो वो अपने प्रिंसिपल, अपने सर, अपने बॉस, अपने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल लैंग्वेज में एक जात का मालिक और नौकर का रिलेशन बोलते हैं, पर मालिक नौकर नहीं होगा, पूरा अलग होगा कि भाई इज ए एजेंट सब्स्टिट्यूट के भाई मेरे बॉस के बिहाफ पे मैं बात करता हूँ, मेरे बॉस के बिहाफ पे मैं काम करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एजेंट। नंबर टू प्रिंसिपल, द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन और हु इज रिप्रेजेंटेड जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इज नोन एज प्रिंसिपल। Thus, the function of an agent is to bring his principal into contractual relation with third party. यानी सिंपल लैंग्वेज में एजेंट अपनी भाषा में वो बंदा है, मिडल व्यक्ति है जो थर्ड पार्टी और बिजनेस अपने मालिक को बीच को दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है जो बिजनेस लाके प्रोवाइड करता है। देखो लिखा हुआ है एजेंट इज मेयरली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। क्लियर, एजेंट वो बंदा है जो अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा और प्रिंसिपल वो बंदा है जिसके लिए एजेंट काम करता है। एजेंसी क्या है, तो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट डिफाइन एजेंसी बट इट इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप विच अराइज व्हेन अ पर्सन इज एम्प्लॉयड टू एक्ट फॉर अदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन अ डीलिंग विद थर्ड पार्टी। Thus, agency is a relationship in which one person has to act for another. Clear? ये तीनों की definition है। अब सवाल आया कि who can employ agent? Agent को कौन काम पे रख सकता है? तो simple है, any person who is the age of majority, कोई भी रख सकता है कि जो major हो, can एम्प्लॉई एजेंट। मेजोरिटी के साथ अब तुमने क्या पढ़ा था, साउंड माइंड होना चाहिए। नंबर टू, हु मे बी एजेंट। एजेंट तो कोई भी इंसान सिलेक्ट कर सकता है जो साउंड माइंड का हो, मेजर हो, मगर सवाल आया एजेंट कौन होगा, तो एनी पर्सन हु इज ऑथोराइज टू एक्ट एज सच। यानी जो भी बंदा एजेंट के तौर पर काम करना चाहता है वो एजेंट बन सकता है। बराबर, ऐसा नहीं है कि मेजर होना जरूरी है, इवन अ माइनर लिखा हुआ है, इवन अ माइनर और पर्सन विथ इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एजेंट। क्योंकि कोई भी धंधा तो कोई भी लाके दे सकता है। क्लियर, क्यों, क्योंकि माइनर तो सिर्फ धंधा लाके देगा, धंधा लेना नहीं लेना काम करना किसके हाथ में होता है। लिखा हुआ है द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द ऑल सच एक्ट ऑफ एजेंट। मेरा काम है सिर्फ आपको बिजनेस लाके देना, थर्ड पर्सन को डील करना, और वो डील को सक्सेस करना है फेल करना है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्या। क्लियर, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो दो ही कैरेक्टरिस्टिक है, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, जो पढ़ा वही है। टू क्रिएट एन एजेंसी देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, एजेंसी डिपेंड अपॉन एग्रीमेंट बट नॉट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना एजेंसी एग्रीमेंट से बनती है, इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है। सो बिटवीन क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे तो भाई एजेंट तो माइनर भी बन सकता है, एजेंट तो इनकॉम्पिटेंट भी बन सकता है, मगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तो ये सब चलता नहीं है। तो इसीलिए बताया कि एजेंसी डिपेंड अपॉन एग्रीमेंट नॉट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। It means
even a minor person or a person of unsound mind can be act as agent, but however, the principal is liable for the act of such agent. Similarly, no consideration is necessary to create a contract of agency. So there must be just agreement. मैंने already बताया कि इसमें देखो दो तीन characteristic valid contract के नहीं है, इसीलिए बताया कि agency is created by agreement, not by contract. Clear? Point number two, intention of agent. Agent का काम क्या होगा? To act on behalf of the principal. जो principal है उसके behalf पे सिर्फ act करना. To create an agency, the agent must ready to act as an agent. When a person intend to act as an agent of another, agency may arise even though contract between the party provide that there is no such relationship. इसीलिए agency की कोई specific definition law में नहीं बताई, क्योंकि कोई भी इंसान धंधा लाके देगा. Suppose मेरे को example के तौर पे बात करे, मिस्टर समीर भाई ये चार एडमिशन मुझे FIM ला के दे रहे हैं. अब कॉमन वो मेरे एजेंट तो नहीं है, पर उन्होंने मेरे को बिजनेस ला के दिया तो भाई मैं खुशी से दे दूंगा, ले समीर चल तेरी फी में 2000 रुपये में माफ कर देता हूँ. तो कॉमन है, समीर भाई ने एज ए एजेंट के तौर पे काम करा, मेरे को बिजनेस दिया, थर्ड पार्टी के तौर पे काम किया, तो बेसिकली एजेंसी कही जाती. रूल्स क्या है तो याद रखना, रूल्स दो ही है, दो के तीन नहीं हो. वॉट एवर अ पर्सन कैन डू पर्सनली, He can do the same through an agent. पहला ही रूल्स है कि जो खुद मैं कर सकता हूँ वही काम मैं किसके जरिए करूँगा, एजेंट के जरिए. The first rule state that a person can do any act through an agent which he can do personally. However, this rule is not applicable which are personal in nature. याद रखना, जैसे act of magistrate, शादी करना, तो ये सब पर्सनल डिपेंड है, पर्सनल एग्रीमेंट है, तो ये सब नहीं कर सकते. बाकी इसके अलावा तुम हर काम कर सकते हो. नंबर टू, ही हु डज एन एक्ट टू अनदर डज बाय हिमसेल्फ. सीधा के सीधा वही बताया, दिस रूल पहली बात आई प्रिंसिपल की, अब बात आती एजेंट की. दिस रूल इंडिकेट डेट एक्ट ऑफ एजेंट आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन. This means when agent enter into contract, he does not remain personally liable. In the eyes of law, an agent is considered as an act of principal. याद रखना, क्योंकि मैं principal के behalf पे ही काम कर रहा हूँ. जैसे समीर भाई की बात करें, example अपने वही लेते, समीर भाई ने मुझे चार student ला के दिए, तो common है वो student को admission देना नहीं देना मेरे हाथ में. अब कॉमन है मैंने एडमिशन दे दी, अगर बच्चा फी पेमेंट नहीं करता, समीर भाई की तरह बच्चा फी पेमेंट नहीं करता, तो कॉमन है मैं समीर को नहीं बोलूंगा भाई बच्चे फी नहीं देते, अब तुझे देनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि सिंपल है, समीर भाई ने सिर्फ मुझे बिजनेस ला के दिया है, अब उसको करना नहीं करना वो सब मेरे हाथ में. यानी वही बता है, द एक्ट ऑफ एजेंट इज सिमिलर टू प्रिंसिपल. तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन अवर हुआ. अब आता है तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन. ये थोड़ी मिस्टेक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सब एजेंट. अब बेसिकली सब एजेंसी पढ़ने के तौर पे ही है, बेसिकली इसके भी कुछ रूल्स एंड लिमिटेशन है. सब एजेंट का मतलब क्या कि भाई मैंने मेरे क्लास के एडमिशन के लिए समीर भाई को एजेंट के तौर पर अपॉइंट करा है. समीर भाई आप एक एडमिशन दो, मैं आपको 1000 रुपीज आपकी फी में रिड्यूस कर दूंगा. तो समीर भाई क्या करते हैं, उन्होंने भी उनके हाथ के नीचे दो लोग रख लिए. एजेंट का एजेंट है, इज कॉल्ड सब एजेंट. देखो देखते हैं, अ सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी. क्लियर? मेरा एजेंट नहीं है, सब एजेंट किसका होगा, एजेंट का होगा. दिस मीन्स अ सब एजेंट इज द एजेंट ऑफ ओरिजिनल एजेंट. द रिलेशनशिप बिटवीन सब एजेंट एंड एजेंट आर सिमिलर टू प्रिंसिपल एंड एजेंट. अब कंडीशन क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. सब एजेंसी डिनोट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी
by an agent to his sub-agent. Is a general rule that rules it, can agent cannot delegate his authority to another person without the consent of the प्रिंसिपल. यानी सपोज मेरे बिजनेस का एजेंट समीर है, तो समीर मुझे पूछे बिना कोई सब एजेंट नहीं रख सकता. क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ क्लास में एडमिशन लाने का पावर समीर को दिया है, किसी और को नहीं दिया है. सो एजेंट कैनॉट डेलीगेट इज ऑथोरिटी, यानी अपनी ऑथोरिटी को एजेंट किसी और के साथ बांट नहीं सकता. देखो लिखा हुआ है, delegate non-protest delegate is the maxim. This means a person to whom authority has been given cannot delegate the authority to another. Because क्यों नहीं दे सकता? Because principal appoint a particular agent to act on his behalf. He rely upon his skills, integrity and competence. भाई मैंने समीर तेरी स्किल, तेरी आवड़त, तेरा नॉलेज, तेरी बात करने का तरीका देख के तेरे को एजेंट रखा है. तो भाई मैंने तेरे को देख के एजेंट रखा, तूने अपने हिसाब से एजेंट रख लिया, तो ये एजेंट चलेगा नहीं. मगर कितनी, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नहीं बांट सकते, मगर कितने केस ऐसे है कि जहाँ पे समीर भाई चाहे तो एजेंट रख सकते, जिसको अपने बोलते एक्सेप्शनल केसेस इन विच सब एजेंट कैन बी अपॉइंटेड. यानी कितने केसेस ऐसे जहाँ पे सब एजेंट अपॉइंट हो सकते हैं. तो कौन से? तो देखो पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं. एज अ जनरल रूल अ एजेंट कैन नॉट ट्रांसफर हिज अथॉरिटी टू अनदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल. इट मींस अ नॉर्मली अ एजेंट कैन नॉट अपॉइंट सब एजेंट. एजेंट कभी भी अपने हाथ के नीचे कोई सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता. बट देर आर सर्टन एक्सेप्शनल केसेस इन विच एजेंट कैन अपॉइंट सब एजेंट. मगर कितनी सिचुएशन है, कितनी कंडीशन ऐसी है जहाँ पे एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है. तो कौन सी कंडीशन है हम डिटेल में देखते हैं. नंबर वन, वेयर देयर इज अ कस्टम टू अपॉइंट सब एजेंट. हमारे बिजनेस में इसकी परमिशन दी गई हो पहले से, कस्टम है. नंबर टू, When the nature of work is such that sub agent is necessary. अगर मैंने काम इतना टिपिकल दिया है, इतना मुश्किल दिया है कि एक इंसान से वो काम नहीं हो सकता, तो ये शर्त में हमारे एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं. नंबर थ्री, When the principal is permitted. मैंने ही परमिशन दे दी, हाँ भाई समीर तेरे से नहीं होता, तू तेरे हाथ के नीचे दो लोग को रख सकता है. नंबर फोर, वेन अनफोर इमरजेंसी सच दैट अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज नेसेसरी. कोई ऐसी अनदेखी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे एजेंट को रखे बिना, एजेंट के नीचे दो चार लोगों को रखे बिना काम पॉसिबल नहीं है, तो वो संजोगों में एजेंट रखना चल जाएगा. नंबर फाइव, वेन द नेचर ऑफ ऑथोरिटी सच दैट सब एजेंट इज नेसेसरी. अगर ऑथोरिटी का अपना पावर दिया है एजेंट को कि तेरे हाथ में रखना हो तो तू रख सकता है, उसको ऑथोरिटी प्रोवाइड की है, मुझे तो सिर्फ काम से मतलब, तेरे को ऑथोरिटी देता हो तो किसी भी तरीके से काम ले सकता है, तो वहां पे अपने एजेंट सिलेक्ट कर सकते. तो ये सब ऐसे केसेस है जहाँ पे एजेंट अपने हाथ के नीचे सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है. नाउ कम लास्ट टॉपिक, difference between sub agent and substitute agent. Sub agent and substitute agent, याद रखना sub agent का मतलब agent के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको sub agent बोला जाता है. substitute का मतलब क्या, समीर भाई का substitute, यानी जो level समीर का है वही level हमारे मोहम्मद परेश भाई का है, तो इसको बोलते हैं substitute agent. यानी मेरे business में दो लोग काम करने वाले, देखते हैं. None of these two agent, two sub-agent and substituent agent are the main agent. Following are the main point of difference. Number one, sub-agent is a person who is employed by agent under some exceptional circumstances. Already हम पढ़ चुके कि sub-agent वो agent होता है जिसको agents appoint करता है. But substituent agent is a person
who is appointed by, who is appointed by principal, who is appointed by principal. So he is also known as agent of principal. Number two, when sub agent is appointed, there are three party. कौन कौन? Principal यानी मैं, agent यानी समीर भाई, और समीर भाई के हाथी से काम करने वाले सब agent. मगर in case of substitute agent there are only two party. मैं, समीर भाई भी एजेंट, और हमारे प्रवेज भाई सब्स्टिट्यूट, दोनों दो एक ही व्यक्ति है अलग अलग नाम से. नंबर थ्री, इन केस ऑफ सब एजेंट, अगर सब एजेंट बनता है तो ध्यान देना, द ओरिजिनल एजेंट बिकम इज प्रिंसिपल एंड ही बिकम एन एजेंट. ही बिकम एन एजेंट इट मींस रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड सब एजेंट इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड agent. Clear? Number four, sub agent is liable to original agent. यानी समीर भाई के हाथ नीचे काम करने वाले किसको report करेंगे? समीर भाई को. मुझको नहीं लिखा हुआ है ना, not to the principal. मगर जो substitute agent होगा, जैसे मनमत परवेज मैंने बताया, वो directly मेरे principal को ही report करेगा. अब आता है remuneration. The sub agent get remuneration from original agent. He cannot sue principal. यानी समीर भाई ने जिनको अपॉइंट करा है तो उनको पगार भी समीर भाई करेंगे, तौसीफ सर नहीं करेंगे. मगर जो सब्स्टिट्यूट एजेंट है, जैसे परवेज को मैंने अपॉइंट करा है, तौसीफ भाई ने अपॉइंट करा है, तो परवेज भाई का पगार मगार भी तौसीफ भाई डिपेंड करेंगे. नंबर सिक्स, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट but not liable for the act of substitute agent. Simple दिया हुआ है कि अगर परसों समीर भाई के हाथ के नीचे काम करने वाले बंदे कुछ गलती लोचा मारते हैं जिसके वजह से मेरे बिजनेस का फर्क पड़ता है, तो कॉमन है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल. क्लियर? समझ में आया? ये तुम्हारा टॉपिक था. अब उसके बाद लास्ट टॉपिक रहता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करके अवर कर देंगे. नेक्स्ट टॉपिक में पूरा अवर कर देंगे.